हेलो फ्रेंड्स, आप लोग कैसे हैं? उम्मीद करते हैं आप लोग ठीक होंगे, आप लोग हेल्दी होंगे। फ्रेंड्स, आज ये क्वेश्चन है कि पिसी कल्चर और एक्वा कल्चर दोनों में डिफरेंस क्या है। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं पिसी कल्चर की। तो हम जानते हैं कि पाइसेस मीन्स होते हैं फिश, और कल्चर का मतलब होता है कि किसी चीज़ का ग्रोथ कराना, किसी चीज़ का प्रोडक्शन बढ़ाना, किसी चीज़ को कल्टिवेट करना, और पाइसेस फिशर्स को कहते हैं। और एक्वा, एक्वा मीन्स होता है वाटर। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं पिसी कल्चर की। तो पिसी कल्चर में क्या किया जाता है कि फिशेस का ग्रोथ बढ़ाया जाता है, फिशेस का प्रोडक्शन बढ़ाया जाता है, उनकी रेयरिंग की जाती है, तो इसको कहा जाता है पिसी कल्चर। अब ये फूड के लिए भी हो सकता है, फिशेस से जो हमें फूड मिलता है, या अदर पर्पज़ के लिए जो यूज़ किए जाते हैं, ओमेगा 3 कैप्सूल के लिए जो यूज़ किया जाता है, या ऑयल के लिए यूज़ किया जाता है फिशेस को। तो इन सबके प्रोडक्शन के लिए फिश को की रेयरिंग करना, उनको उनका प्रोडक्शन बढ़ाना या उनका कल्टिवेशन करना, ये सब पिसी कल्चर में से आता है। अब हम बात कर लेते हैं एक्वा कल्चर की। तो एक्वा कल्चर, एक्वा मींस वाटर, तो एक्वा कल्चर में वो वाटर में रहने वाले अदर एनिमल्स भी आ जाते हैं। जैसे यहाँ पर सिर्फ फिश की बात की गई, लेकिन एक्वा कल्चर में फिश के साथ साथ अदर एनिमल्स जो भी बेनिफिशियल हैं, उनके प्रोडक्शन पर ध्यान देना, उनका प्रोडक्शन बढ़ाना, उनका ग्रोथ बढ़ाना, इसको कहा जाता है एक्वा कल्चर। और इसमें सिर्फ एनिमल की बात नहीं होगी, इसमें सिर्फ एनिमल के साथ साथ प्लांट्स की भी बात होती है। एक्वा कल्चर में जो एनिमल्स हमारे लिए बेनिफिशियल हैं, जो प्लांट्स हमारे लिए बेनिफिशियल हैं, जिनसे हमें फूड वगैरह मिलता है, तो उन सबके प्रोडक्शन को बढ़ाना, उन सबके ग्रोथ को बढ़ाना, ये आता है एक्वा कल्चर में। लेकिन एक्सक्लूसिवली सिर्फ फिश की बात की जाएगी तो वो पिसी कल्चर में आएगा। और फिश के साथ साथ अदर एनिमल्स, फिश के साथ साथ अदर एनिमल्स और प्लांट्स, उनके ग्रोथ की जब बात की जाएगी, उनके ग्रोथ बढ़ाने के लिए जब बात की जाएगी, तो वो जाएगा एक्वा कल्चर। तो एक्वा कल्चर और पिसी कल्चर में यही डिफरेंस होता है कि पिसी कल्चर में हम सिर्फ फिशेस को कल्चर करते हैं, फिशेस का ग्रोथ बढ़ाने के लिए जो भी मेजर्स अपनाने होते हैं वो अपनाते हैं। लेकिन एक्वा कल्चर में यह होता है कि फिशेस के साथ साथ अदर एनिमल्स और प्लांट्स, उन सबके ग्रोथ पर ध्यान दिया जाता है, उन सबके प्रोडक्शन को बढ़ाने की कोशिश की जाती है। तो एक्वा कल्चर और पिसी कल्चर, उम्मीद करते हैं दोनों का डिफरेंस आप अच्छी तरह से समझ गए होंगे। अगर इसमें किसी तरह का कोई कन्फ्यूजन है या कोई और क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं। थैंक यू।